हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं एक टी शर्ट का कलर जो है लगातार चेंज हो रहा है। तो इस तरह की वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे है, उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। और मैंने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखे हैं, उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो आपने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रखे हैं, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। जब भी आप वीडियो शूट करेंगे तो आपको टी शर्ट हो या शर्ट हो एक ही कलर का होना चाहिए। इसमें वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले हम रिमूव कर देते हैं। वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टूल लेफ्ट कर देना है, वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है। वीडियो में यदि लास्ट का कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे, वीडियो पर प्रेस करके रखेंगे, इसे हमें लास्ट तक लेकर आ जाना है। इसके बाद स्टार्टिंग लास्ट पॉइंट पे आएंगे, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है बैकग्राउंड में उसे हम ट्रिम टू राइट कर देंगे, वीडियो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, क्रोमा की पे क्लिक करेंगे, इसे इनेबल कर देंगे। कलर की पे आएंगे, यहाँ पर हमें स्काई कलर सेलेक्ट कर लेना है, जो कि बैकग्राउंड में जो कलर आपको दिख रहा है वही कलर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है। इसके बाद वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे हमें फुल साइज कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है। इस तरह से आपको क्रोमा की को इनेबल करने के बाद सही तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। यदि आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐड करना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है, मैंने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो के लिंक दे रखे हैं, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पर क्लिक करना है, स्ट्रैक्ट आइडियो कर देना है, वीडियो पे क्लिक करना है, इसे आपको डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और हमारा पे वीडियो ये तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।